हाय भाई। वो यार बहुत तेज हवा लग रहा है आपको। अभी का जो वीडियो मिलने वाला है ना, थोड़ा सा हवा के चलते ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन यार मैं कोशिश करूँगा कि आपको परफेक्ट ऑडियो मिले। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा बह रहा है मेरे ऊपर। मैं हमेशा छत पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है कि मैं आपको घर में बैठ के आपको वीडियो दे सकूँ। यहाँ पे छत पे ही बनाता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ऑडियो के लेके, क्योंकि आज जो है बहुत तेज़ हवा है। तो भाई मैं आज का जो वीडियो बनाने वाला हूँ ना, वो एक एप्लीकेशन पे बनाने वाला हूँ कि या यार या। तो भाई जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज, एक एप्लीकेशन है, जो उस एप्लीकेशन से आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता दूँ। आप बिना इंटरनेट के अगर आपको कहीं से कहीं तक जर्नी करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको नई दिल्ली से छपरा आना है, तो आप सर्च करेंगे, उसमें ऑप्शन रहेगा कि आप फ्रॉम से टू तक जाना चाहते हैं, तो पूरी ट्रेन लिस्ट आ जाएगी ऑफलाइन बिना इंटरनेट खर्च किए। आप ऑफलाइन चेक कर सकते हैं कि उस रूट की, जिस रूट में आप जाना चाहते हैं, कितनी ट्रेनें हैं, सारी ट्रेन आ जाएगी, प्लस उसका किराया, यानी कि कितना टिकट का किराया है वो भी वहाँ पर शो करेगा, सब चीज़ ऑफलाइन होगा। अब इसमें एक और फीचर बताता हूँ, अगर आप इंटरनेट थोड़ा यूज करना चाहेंगे तो जिस ट्रेन में आप जाना चाहते हैं उस ट्रेन पे आप क्लिक कर देंगे तो उस ट्रेन का लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। मतलब कि उस ट्रेन में जितने रूटे हैं, आप जिस रूट में जाना चाहते हैं उस रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं, सारे ट्रेन आ जाएंगे, और जो जो ट्रेन पे आप क्लिक कर दे जाएंगे सबका लोकेशन आपको पता चलेगा कि वो अभी तक ट्रेन कहाँ तक पहुँची है, ये सब पता कर सकते हैं अगर आप में इंटरनेट है तो। अब तीसरी बात, अगर उस ट्रेन के अंदर में है, मतलब ट्रेन के अंदर बैठे हैं अपने बर्थ पे, तब आप उस एप्लीकेशन के अंदर जाके आप लोकेशन ट्रैक करते हैं, तो आपका वहाँ पे स्पीड बताएगा कि उस ट्रेन की क्या स्पीड है। ये सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जब भी बनाऊँ और अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि उस ट्रेन की क्या, मैं जिस ट्रेन में बैठा था तो उसमें थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया हूँ, और क्लिप दिखाने वाला हूँ आपको कि कितनी की स्पीड ट्रेन चल रही थी, और मैं कैसे लोकेशन ट्रैक करता हूँ, ये सब बातें उस एप्लीकेशन में आपको सीधे एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तो अब चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मैं अभी आ गया हूँ अपने फ़ोन पे, तो अभी तो मैं डाटा को ऑन करूँगा क्योंकि मुझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो मैं अभी प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, जब डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसे ऑफलाइन क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, सब चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे मैं सर्च करता हूं, वेयर इज माई ट्रेन, यही एप्लीकेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और मैं डिस्क्रिप्शन में हो सके तो मैं लिंक भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से देख के अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लिखिएगा, सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में वेयर इज माई ट्रेन, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब इसे मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तो मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, इंग्लिश करके इंग्लिश पे ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पे ही सिलेक्ट है, और मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर दिया, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस अपने डाटा को ऑफ कर दिया यहाँ पे, और इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने डाटा को ऑफ कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डाटा, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। और मैं यहाँ फ्रॉम से मैं सर्च करूँगा NDLS, ये रहा, ये आ गया, और टू में सर्च करूँगा CPR छपरा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा छपरा जंक्शन। अब मैं यहाँ फाइंड ट्रेन करूँगा तो बिना इंटरनेट की पूरी लिस्ट आ जाएगी ट्रेन की, उस जितने भी रूट होंगी छपरा से, नई दिल्ली से छपरा तक, सारी ट्रेन यहाँ पे शो करेंगी, और यहाँ पे किराया भी शो करेगा कि मेरा उस टिकट का कितना किराया है। यहाँ पे बता रहा है 265 रुपया जनरल, GN मतलब जनरल किराया इतना है, ये सब किराया भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं अमरपाली एक्सप्रेस, और जितने भी मतलब ट्रेनें हैं ना उस रूट की, सारी ट्रेन लिस्ट यहाँ पे आपका शो करने लगेगा, प्लस यहाँ पे किराया भी शो करेगा, और जो ट्रेन नहीं होगी उस रूट में तो यहाँ सद्भावना एक्सप्रेस, ये तो रूट है लेकिन इस दिन में नहीं है, जिस दिन में मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे बता रहे कि S4 संडे, A4 फ्राइडे, संडे और फ्राइडे को है, तो ये हाईलाइट नहीं है, जो हाईलाइट है वो यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे डेट मैंने नहीं डाला था,
अगर आप डेट डाल देते हैं तो जो जो ट्रेन उस डेट में होंगी सब चीज़ सब यहाँ पे हाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन ट्रेनें हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे सर्च कर लिया, अब यहाँ पे मैं अपने डाटा को ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डाटा को ऑन कर दिया, अब मैं जिस ट्रेन को मैं लोकेशन ट्रैक करना चाहता हूँ उस ट्रेन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इसे गोल गोल ये घूमेगा, ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं न्यू दिल्ली से दरभंगा तक लास्ट ये चलती है ट्रेन, और कहाँ पे है यहाँ पे बता रहे, छपरा जंक्शन पर पहुँच गई है ट्रेन। रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ, देखिए अराइव छपरा जंक्शन ग्रामीण जंक्शन, छपरा ग्रामीण जंक्शन यहाँ पे पहुँच गई है ये ट्रेन। तो आप ये देखिए 8:56 यहाँ पे 8:26, और यहाँ पे हो रहा है 8:28। तो यहाँ पे 8:26 पर ये आई है, और कुछ देर तक जंक्शन पे ट्रेनें रुकी रहती है, तो अभी तक यहाँ पे रुकी है 10 मिनट शायद स्टॉपेज होगा इस ट्रेन का। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद ये फिर चलने लगेगी, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ट्रैक होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा ये ट्रेन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते जहाँ तक जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट आप ट्रैक करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ से चली है नई दिल्ली से और यहाँ तक आई है। तो भाई इस तरह से आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने लोकेशन। अगर आप इस ट्रेन के अंदर में हैं तो यहाँ से आप ये जीपीएस पे क्लिक कर देते हैं, अगर आप जीपीएस पे क्लिक कर देते हैं और ट्रेन के अंदर में बैठे हैं तो आपको ट्रेन की स्पीड भी बताएगी और जितना चलेगा, मतलब ये तो 5-5 मिनट पे अपडेट होता रहता है, तो 5 मिनट के बाद आपको यहाँ पे से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कुछ थोड़ा गैप दे दे के ये बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप लोकेशन को ऑन कर देते हैं तो ये जैसे आप ट्रेन जैसे जैसे चलेगी डायरेक्ट ये ट्रैक होता रहेगा, वैसे ही ऐसे ही यहाँ से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मतलब परफेक्ट यहाँ पे लोकेशन ट्रैक होगा अगर लोकेशन को ऑन कर देते हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पे परफेक्ट आपका जो ट्रेन की स्पीड होगी वो यहाँ पे शो करेगा। तो मैं एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, उसे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ तो वो क्लिप कैसे काम कर दे, वो कितनी स्पीड थी उस ट्रेन की जिस ट्रेन में मैंने बैठा था, तो आप खुद देख सकते हैं। भाई जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाया वो मैं ट्रेन के अंदर था तभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैं आपको इस वीडियो को बनाने के लिए ही उस क्लिप को रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस एप्लीकेशन से आप अपना ट्रेन की स्पीड भी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। तो बताइएगा, ये वीडियो तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप बताइएगा, आप अपना ओपिनियन रखिएगा कॉमेंट बॉक्स में कि ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगता है। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।